हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ा कि अगर आप कोई भी सरफेस है, मेटल है, और उसको एनर्जी दे रहे हो तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितनी एनर्जी लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटा, या फिर उसको आप फोटोन भी बोल सकते हो, और उसको कितनी एनर्जी मिल रही थी, एच न्यू, जिसमें से वो वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी जो है वो खर्च करता है, और बाकी की अगर उसने सिर्फ वर्क फंक्शन जितनी ही एनर्जी खर्च की है तो बाकी की एनर्जी उसके पास जो बचेगी दैट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी कैसी थी, मैक्सिमम। तो हमें ऐसा कुछ इक्वेशन मिल गया, दैट इज़ के मैक्सिमम इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइव जीरो। ये चीज़ पढ़ी थी, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो आइंस्टाइन जो उसने जो इक्वेशन दिया, उसने जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पूरी बातें जो बताई, वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की पूरी जो थियरी है वो हम वेव नेचर लेके नहीं समझा पा रहे थे, लाइट का वेव नेचर लेके नहीं समझा पा रहे थे, वो उसका डिस्क्रीट हमने फॉर्म लिया, दैट इज़ पार्टिकल नेचर बोल सकते हैं आप, तो वो लेके हम पूरी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा सकते हैं। तो आज वही चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो चीज़ अगर ये बात जो है हमें आइंस्टाइन ने बताई थी कि हम लाइट का अगर डिस्क्रीट फॉर्म लेते हैं तो हम सोच सकते हैं कि हमारी जो पूरी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो भी थियोरी थी वो हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वही चीज के बारे में जिसको हम बोलते हैं फोटोन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोटोन के बारे में, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, तो मिनिमम 4 आपको लिखनी होती है अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो। अच्छा, तो पहली चीज़ कि फोटोन के बारे में उसकी जो हम बोल सकते हैं कि वो कैसे पता चला कि फोटोन जो है, मतलब लाइट जो है उसका जो फॉर्म है वो डिस्क्रीट फॉर्म है। एक चीज़ तो ये हो गई कि आइंस्टाइन ने अपने जो बात की, उसने जो इक्वेशन दिया फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, उससे एक बात तो समझ में आ गई कि जो भी यहाँ पर जो लाइट है वो आप बोल सकते हैं कि वो कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर एक उसके पास एनर्जी होती है, जिसको हमने एन टाइम एच न्यू लिया था, है ना, मतलब वो कुछ प्रॉपर एनर्जी वाला जो है वेव है उसके साथ उसके पास कुछ मोमेंटम भी है, दैट इज एच न्यू बाई सी, इतना उसका मोमेंटम भी है। तो अगर ये सारी बातें हैं तो क्या हमारा जो ये लाइट का जो वेव है कैन बी एसोसिएटेड इट विथ पार्टिकल, उसको पार्टिकल के साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं। ये चीज़ सोचने के लिए पहली चीज़ हमने हेल्प ली वो आइंस्टाइन की जो थियोरी थी, वो जो मैंने पहले भी बताया कि आइंस्टाइन ने जो हमें बताया था कि जो वेव है हमारा लाइट का जो वेव है वो किससे बना है, ऐसे बहुत सारे फोटॉन से बना है, है ना, मतलब कि उसके पास कुछ हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर कुछ एनर्जी भी है, दैट इज़ एच न्यू, और बोल सकते हैं कि उसके पास मोमेंटम है, दैट इज़ एच न्यू बाई सी। और सेकेंड थिंग ये थी कि कॉम्पटन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में हमें बताया, वो कुछ ऐसा था कि हमारे जो एक्सरेज हैं और इलेक्ट्रॉन दोनों का जब कोलिजन हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज़ मैं ऐसे ले रही हूँ कि ये कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से कोई एक्सरे आया, एक्सरे दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये जो एक्सरे है इसके साथ इसका कोलिजन हो रहा है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसके बाद हमें ये देखने को मिला कि हमारा जो एक्सरे था उसका स्कैटरिंग हो गया। इसका मतलब ये होगा कि आफ्टर कोलिजन कुछ ऐसी कंडीशन हो गई कि यहाँ पर आपका अगर एक्सरे चला गया और उसकी जो न्यू वेवलेंथ है वो लैम्डा डैश हो गई, और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पर चला गया, तो वो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी, आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि वो इलेक्ट्रॉन ने हमारे जो एक्सरे थी उसकी कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब भी किया था। तो आफ्टर कोलिजन या फिर इंट्रैक्शन आप बोल सकते हो कि हमारा जो एक्सरे होगा उसकी वेवलेंथ कुछ चेंज हो गई, तो यहाँ पर दोनों के बीच में ऐसा कोलिजन होने के बाद या फिर बोल सकते हो इंट्रैक्शन होने के बाद जो थी कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिली कि एक्सरे का स्कैटरिंग हुआ। और यही चीज़ की हेल्प लेके हम ये चीज़ समझा पाए कि ये जो हमारा जो वेव है दैट इज़ लाइट, तो उसको हम पार्टिकल के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, और वो जो पार्टिकल है दैट इज़ नेम्ड एज फोटोन, तो उसको ही हमने फोटोन नाम दिया है। तो ये ऐसा हमारा फोटोन है, तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बता सकते हैं। तो ऐसे फोटोन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्टली कि जो ऐसा फोटोन है, जो हमने पहले भी बताया कि जब फोटोन किसी पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन करता है तब आप बोल सकते हो वो कैसे बिहेव करेगा, एज अ पार्टिकल बिहेव करेगा, जिसको हमने पहले भी बताया, जिसको हमने फोटोन बोला है, मतलब फोटोन क्या है, उसका फॉर्म क्या है, दैट इज़ पार्टिकल।
तो उसको आप पार्टिकल फॉर्म में ले सकते हो। ऐसा जो फोटोन होता है उसकी एनर्जी होती है एच न्यू और उसका मोमेंटम होता है एच न्यू बाय सी। आपको लगेगा कि ये इसको एच न्यू बाय सी आपने कैसे लिखा है, या फिर आप बोल सकते हो ई बाय सी, आपको आप उसको कैसे लिख सकते हो। उसका रीज़न है जो हमारी टेक्स्ट बुक में उसका पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि आइंस्टाइन थे, उन्होंने जो रिलेटिव थियोरी ली उसमें उन्होंने एनर्जी का एक ऐसा इक्वेशन दिया, दैट इज़ एनर्जी ई इक्वल्स टू अंडर रूट। ये आपको याद रखना है, हमारी टेक्स्ट बुक के जो इलस्ट्रेशन नहीं सॉरी जो न्यूमेरिकल जो दे रखे हैं हमें एक्सरसाइज में, उसमें हमें ये इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो E इक्वल्स टू ऐसा कुछ फॉर्मूला दिया, अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी रेस टू 4। तो यहाँ पर वेर एम जीरो इज कॉल्ड रेस्ट मास, वो क्या है मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। P जो है वो तो आप समझ रहे हो, दैट इज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में m0 जीरो दैट इज कॉल्ड, मैंने बताया आपको रेस्ट मास, और रेस्ट मास का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूँ। लेकिन अगर जब आपका फोटोन मोशन में है तो उसका मास हम ऐसे लिख सकते हैं m इक्वल्स टू m0 जीरो अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये वाली फॉर्मूला भी आप अच्छे से याद कर लेना। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमारा जो वेव है, यहाँ पर मैं यहाँ से m0 लिखूँ तो m0 इक्वल्स टू क्या, उसकी फॉर्मूला रेस्ट मास की बन रही है, दैट इज m इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब रेस्ट मास का मतलब ये हुआ कि जब आपका फोटोन रेस्ट पर है, वो रेस्ट पर है मतलब कि वो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, अगर आप ऐसे सोचो तो ज़ीरो तो नहीं ले सकते क्योंकि लाइट जो है वो तो ट्रैवल कर रही है, तो फोटोन की वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है। लेकिन जब उसकी वेलोसिटी हमारी जो लाइट की वेलोसिटी है दैट इज़ 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड उतनी हो जाएगी, जब दोनों वेलोसिटी सेम होगी तब आप बोल सकते हो कि लाइट की कंपेयर में, आप बोल सकते हो उसकी रिस्पेक्ट में जो फोटोन है उसको आप रेस्ट पर ले सकते हो। मतलब कि यहाँ पर हमारा इक्वेशन है उसमें अगर मैंने v इक्वल्स टू c ले लिया, इफ v इक्वल्स टू c देन v, यहाँ पर c ले लोगे आप तो c स्क्वायर से स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट एंड 1 माइनस 1 विल बी 0, देयरफॉर m0 विल बी 0। तो इसीलिए हम उसका रेस्ट मास कितना ले सकते हैं 0। यहाँ अगर आपका फोटोन जो है वो मोशन में है और तो उसकी जो मास होगी वो आप ये इक्वेशन से लोगे। तो अगर रेस्ट मास अगर मैंने 0 ले लिया तो ये इक्वेशन से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर मैं m0 अगर 0 रख देती हूँ तो मेरे पास कितनी फॉर्मूला बच जाएगी, e इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर, या फिर लिख सकते हो pc, तो p इक्वल्स टू e बाई सी, या फिर लिख सकते हो h न्यू बाय सी। तो ऐसे हम मोमेंटम की फॉर्मूला बना सकते हैं। ओके, तो ये आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया था, उसकी हेल्प लेके हमने ये चीज डिराइव की है। थर्ड थिंग आपको बता दूं, यहां पर हमारा जो कोई भी, अगर मैं फोटोन की बात कर रही हूँ उसकी, अगर मैंने कोई भी लाइट ली है तो उसकी वेवलेंथ अगर चेंज नहीं हो रही, लैम्ब्डा सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो उसका मतलब ये हुआ उसके जितने भी फोटॉन्स होंगे सबकी एनर्जी सेम होगी। क्यों सेम होगी, अगर न्यू सेम है तो एनर्जी भी सेम होगी। उसका मोमेंटम अगर मैं बात करूँ, न्यू इज इक्वल टू आप जानते हो सी इज इक्वल टू न्यू लैम्ब्डा, अगर लोगे तो पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्ब्डा हो जाएगा। अगर लैम्ब्डा सेम है तो सबका मोमेंटम भी कैसा होगा, सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ किसी सरफेस पर जब आप कोई भी लाइट इंसिडेंट कर रहे हो तो इसका मतलब अगर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, फिर वेवलेंथ अगर आप चेंज नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबको जो एनर्जी मिलेगी वो इक्वल ही मिलेगी। मतलब कि कितनी मिलेगी, एच न्यू जितनी। क्यों एच न्यू ही बोल रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी लाइट है उसकी इंटेंसिटी कोई भी हो, लेकिन इंटेंसिटी जो है वो उस पर और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन नहीं है। मतलब कि ये आप बोल सकते हो कि एनर्जी जो मिलेगी इलेक्ट्रॉन को वो कितने मिलने वाली है, दैट विल बी एच न्यू। तो इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो कम कर रहे हो, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स आप चेंज कर रहे हो, एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को जो मिल रही है एनर्जी उसमें। इसलिए आप बोल सकते हो कि सभी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको इक्वल एनर्जी और इक्वल मोमेंटम मिलेगा। अगर आप इंटेंसिटी चेंज करोगे फिर भी इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली एनर्जी या फिर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। फोर्थ थिंग आप बोल सकते हो कि हमारा जो फोटोन होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल है इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो उस पर तो उसका जो है वो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना, वो जैसे चल रहा है ऐसे ही जाएगा क्योंकि वो न्यूट्रल है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट नहीं होगी,
ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। एंड लास्ट थिंग कि हमारा ऐसा फोटोन है कोई भी पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन करता है, मतलब सपोज एक इलेक्ट्रॉन है और फोटोन है और दोनों के बीच में सपोज इंटरेक्शन हो रहा है, तो आप बोल सकते हो पूरी प्रोसेस में क्या होगा कि ऑलवेज जो काइनेटिक एनर्जी है और लीनियर मोमेंटम है उसका कंजर्वेशन तो होता ही है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ इंट्रैक्शन हमारा जो फोटोन है उसका एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, वो एब्जॉर्ब भी हो सकता है या फिर नए फोटॉन्स भी बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन हमारी पूरी जो प्रोसेस होगी इंट्रैक्शन की उसमें ऑलवेज लीनियर मोमेंटम और सेकेंड थिंग काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। सॉरी काइनेटिक एनर्जी नहीं, सॉरी चेंज कर देती हूँ, एनर्जी, टोटल एनर्जी बोल सकते हैं, टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन होता ही है। ओके, तो ये चीज़ हमारे फोटॉन्स थी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। हमारी बुक में जो इलस्ट्रेशन दे रहे वो हम यहाँ पर अभी कैलकुलेट करने वाले हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 11.1 से। 11.1, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁴ हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेसर। द पावर एमिटेड इज 2 × 10⁻³ वोल्ट। What is the energy of photon in the light beam? हमें energy of photon पूछा गया है, तो आप जानते हो energy of photon, we can calculate it by E is equal to, क्या है उसकी फॉर्मूला, h nu, h that is Planck constant, वो भी आपको पता है और nu की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखी है। How many photons per second on an average are emitted by the source? कितने यहाँ पर photons जो है वो emit हो रहे हैं उसका भी हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए h की वैल्यू दैट इज 6.63 × 10⁻³ है और nu जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें दैट इज 6 × 10⁴ हर्ट्ज। तो ये दोनों का सिंपल आप जो है मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर यूज़ करके कर सकते हैं। आप अभी मैं इसमें से ही डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ तो आपका आंसर कुछ इतना मिलेगा। ये एनर्जी को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको इसे 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फोटोन की एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मिल सकती है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है कि हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाई द सोर्स। देखिए यहाँ पर जो सोर्स है उसकी हमें पावर दे रखी है, तो पावर का मतलब क्या होता है, पावर इक्वल्स टू आप बोल सकते हो कि एनर्जी अपॉन टाइम, है ना। तो हमारे पास सपोज n फोटॉन्स हैं तो आप बोल सकते हो कि पूरा जो वेव होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, n टाइम फोटॉन, n h nu बोल सकते हो, h nu को ही मैंने e लिखा है हमारी ये क्वेश्चन के हिसाब से, और बाई टाइम t लिख सकते हो। तो यहाँ पर मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा pt बाई e। पावर जो है वो हमें कितनी दे रखी है हमारे क्वेश्चन में, दैट इज 2 × 10⁻³। टाइम दैट इज इन 1 सेकेंड पूछा है और एनर्जी ऑलरेडी हमने काउंट किया है, दैट इज 3.98 × 10⁻¹⁹। आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स इजीली मिल जाएंगे और वो आंसर आपको कुछ इतना मिल रहा है, 5 × 10⁵ फोटॉन्स पर सेकेंड, है ना। समझ में आया क्यों, क्योंकि देखिए सिंपल ही फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम है, एनर्जी मतलब हमारे पास n फोटोन से पूरा वेव बना हुआ है, तो n टाइम मैंने फोटोन की एनर्जी ले ली है। ओके, तो यहाँ से n हमें मिल सकता है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दैट इज 11.2। देखिए द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइन। फर्स्ट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम, ये हमें क्या दे रखा है वर्क फंक्शन और क्या चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज न्यू जीरो। सेकेंड थिंग द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.6 वोल्ट, मतलब कि क्या चाहिए। सेकेंड थिंग हमें वेवलेंथ भी फाइंड करनी है। तो देखिए फर्स्ट हमारे क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दे रखी है, फर्स्ट हमें दे रखा है दैट इज 50 इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेकेंड चीज़ दे रखे सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज 0.60 वोल्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, आपको पता है वर्क फंक्शन 50 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारे पास, h nu 0। तो मुझे अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी nu 0 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 बाय h। सिर्फ ये क्वेश्चन में आपको इतना ही सोचना है कि यहाँ पर दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। 50 दैट इज वर्क फंक्शन इज गिवन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेयर h, h दैट इज प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 6.63 × 10⁻¹⁴ जूल इन टू सेकेंड, मतलब ये वाला तो जूल हो गया इसमें,
और ये वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मुझे जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैं पहले लिख रही हूँ 6.63 × 10^-34, इसके है यूनिट जूल इंटू सेकेंड। तो आप इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, इसको 1.6 × 10^-19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे की वैल्यू जो है, तो देखिए ये जूल में हो गया और नीचे की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी जूल इंटू सेकेंड में है। जूल एंड जूल विल बी कैंसिल आउट एंड 1/2 सेकेंड, दैट इज सेकेंड इनवर्स, या फिर फ्रीक्वेंसी का यूनिट आप लिख सकते हो हर्ट्स। तो इतना कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो। मैं बुक में से आंसर लिख रही हूँ, दैट इज 5.16 × 10^14 हर्ट्ज। ठीक है, तो इतनी हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। देखिए यहाँ पर जो है, हमें हमारे जो क्वेश्चन है इसमें ये जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी कैसी है, बहुत ही जो है वो ज़्यादा है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसी है यहाँ पर, ज़्यादा। अगर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिए, न्यू ज़ीरो की वैल्यू जो होगी उससे आपको जो इंसिडेंट करनी पड़ेगी वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा, तो ही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 वोल्ट है। आपको पता है कि जब स्टॉपिंग पोटेंशियल, जितना आप पोटेंशियल रखते हो तब फोटोइलेक्ट्रिक करंट कितनी हो जाती है, ज़ीरो। तब हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम, उसको कौन कंपनसेट कर रहा है, दैट इज़ EV0, है ना। तो आप बोल सकते हो आपके पास फॉर्मूला है, दैट इज़ के मैक्सिमम इक्वल्स टू EV0। और सेकेंड फॉर्मूला कि आपको आइंस्टाइन ने ऐसी इक्वेशन दी है कि मैक्सिमम दैट इज h nu − φ0, एच न्यू को आप hc/λ भी लिख सकते हो। तो हम ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। क्यों कंपेयर किया मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पर V0 दे रखा है और मुझे लेमड़ा फाइंड करना है। तो देखो, तो वी कैन राइट ये इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, EV0 इज इक्वल टू hc/λ − φ0। अब अच्छे से देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर सभी चीज़ों की यूनिट सेम होनी चाहिए तो ही इक्वेशन करेक्ट है ना। देखिए E दैट इज इन कूलम एंड V विल बी इन वोल्ट, कूलम इनटू वोल्ट मतलब जूल, मतलब ये पार्ट पूरा जूल में है। अब यहाँ पर देखो ये h इज इन जूल इनटू सेकेंड, c मतलब वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और लैम्ब्डा इज वेवलेंथ, वेवलेंथ विल बी इन मीटर, तो मीटर मीटर एंड सेकंड सेकंड विल बी कैंसल आउट। तो ये हो गया ऑलरेडी जूल, लेकिन वर्क फंक्शन हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है तो उसको भी मुझे जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको 1.6 × 10^-19 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे करना पड़ेगा तो ही ये पूरी चीज़ जो है वो जूल में हो जाएगी, तो ही आपका इक्वेशन करेक्ट होगा। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं ये चीज़ कि देयरफॉर EV0 इज इक्वल टू hc/λ − φ0 × E। तो ये हमारी पूरी इक्वेशन जो है वो किस यूनिट में हो गई, विल बी जूल, राइट। अब मुझे hc/λ जो है वो यहाँ से φ0 के इस तरफ ले जाओ तो E विल बी कॉमन एंड V0 प्लस क्या बचेगा, φ0। अब मुझे लेमड़ा चाहिए तो लेमड़ा इज इक्वल टू क्या होगी फॉर्मूला, hc/E × V0 + φ0। मैंने सिर्फ इतना ही किया है, φ0 वाला टर्म इस तरफ मैं लेकर आई तो वो प्लस हो गया, और यहाँ से E को मैंने कॉमन लिखा है, ओके। और लेमड़ा मुझे चाहिए तो लेमड़ा इक्वल्स टू, ये मेरी फॉर्मूला बन रही है वो, तो h की वैल्यू है 6.63 × 10^-34, c की वैल्यू है 3 × 10^8 डिवाइडेड बाय e है 1.6 × 10^-19, V0 था 0.6 और φ0 था 2.14। पहले ये दोनों को ऐड कर देंगे फिर पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो लैम्ब्डा जो है हमें मिल जाएगा। तो हमारा जो लैम्ब्डा होगा उसका आंसर हमें मिल रहा है 454 नैनो, मतलब 10^-9 मीटर होगा। और फिर उसको अगर हम नैनोमीटर में लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस विल बी योर आंसर। तो कैसे कैलकुलेशन करना है उसमें सारी चीज़ें मेनली यूनिट्स के बारे में ही आपको ध्यान में रख के पूरा कैलकुलेशन करना है। अगर आपने φ0 को ऐसे ही रखा होता इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आपका आंसर गलत आएगा, समझ में आ गया। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना पड़ेगा। अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन इज अबाउट 390 नैनोमीटर फॉर वायोलेट कलर। देखिए वायोलेट कलर के लिए हमें जो है वो वेवलेंथ दे रखी है, फिर अबाउट 550 नैनोमीटर फॉर येलो ग्रीन कलर एंड अबाउट 760 नैनोमीटर फॉर रेड कलर। वॉट आर द एनर्जीज ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट वायोलेट एंड एवरेज वेवलेंथ, येलो ग्रीन कलर एंड थर्ड
रेड कलर ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। तो सिंपल ही चीज़ है, आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी की क्या फॉर्मूला होगी, एच न्यू, या फिर लिख सकते हो एच सी बाय लेमड़ा। तो फर्स्ट आपको जो एनर्जी मिलेगी दैट विल बी इन जूल, और उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो तीनों लाइट के लिए हमें एनर्जी फाइंड करनी है, सिंपल हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फोटो सेंसिटिव मटीरियल्स विथ वर्क फंक्शन लिस्टेड इन टेबल 11.1 एंड यूजिंग द रिजल्ट 1, 2 and 3 ऑफ ए कैन यू बिल्ड अ फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट ऑपरेट्स विथ विजिबल लाइट। मतलब कि हमें जो जो हमारे पास मटेरियल है जिसकी वर्क फंक्शन पता है, पूरी हमारे पास टेबल दे रखी है, ठीक है, तो हम विजिबल लाइट यूज़ करके क्या हम ऐसी उसमें से कोई फोटो सेंसिटिव ऐसी जो सरफेस है उसको चूज़ कर सकते हैं एज अ फोटो सेंसिटिव सरफेस, है ना। तो किसको हम चूज़ कर सकते हैं जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिले, तो वो हमें चूज़ करना है। तो जब समझते जाइए आपको ये पूरा समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कौन सी लाइट लेनी है, फर्स्ट हमें दैट इज़ वायलेट। तो फॉर वायोलेट लाइट लेमड़ा जो है वो हमें लेमड़ा दे रखा है, दैट इज़ 390 नैनोमीटर, मतलब 390 × 10⁻⁹ मीटर। तो हमें जो एनर्जी मिलेगी तो उसको मैं E1 लिख रही हूँ, E1 इज इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगी एच सी बाय लेमड़ा 1, तो 6.63 × 10⁻³⁴, 3 × 10⁸, मैंने C की वैल्यू रखी है बाय लेमड़ा 1, दैट इज़ 390 × 10⁻⁹। तो हमारा जो एनर्जी का आंसर होगा वो हमें फर्स्टली जूल में मिलेगा, तो वो आंसर जो मिलेगा वो 5.10, मैं अभी यहाँ से लिख रही हूँ, कैलकुलेटर से भी ऐसे आपको आंसर मिल ही जाएगा। तो इसको मैं अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1.6 × 10⁻⁹ से इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर कुछ आएगा 3.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड जो लाइट दे रखी है हमें दैट इज़ येलो ग्रीन लाइट। फॉर येलो ग्रीन लाइट वो भी हमें लेमड़ा दे रखा है, दैट इज़ लेमड़ा 2 इज 550 नैनोमीटर, मतलब 550 × 10⁻⁹ मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे जो एनर्जी मिलेगी दैट विल बी एच सी बाय लेमड़ा 2, मतलब 6.63 × 10⁻³⁴ × 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय लेमड़ा 2, मतलब 550 × 10⁻⁹। ये आंसर आपका जूल में होगा, उसको 1.6 × 10⁻⁹ से आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे मिल जाएगा। मैं डायरेक्टली अभी लिख रहे हूँ दैट इज 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप एक स्टेप इसमें ऐड कर सकते हो, 1.6 × 10⁻⁹ से डिवाइड करने के बाद आपके आंसर को आप उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे। अब थर्ड इज रेड लाइट। फॉर रेड लाइट लैम्ब्डा इज गिवन एज लैम्ब्डा 3, दैट इज 760 नैनोमीटर, राइट। तो एनर्जी कितनी होगी उसके अकॉर्डिंग, दैट विल बी एच सी बाय लैम्ब्डा 3, तो 6.63 × 10⁻³⁴ × 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 760 × 10⁻⁹, योर आंसर विल बी इन जूल, और उसको 1.6 × 10⁻⁹ से डिवाइड करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर मिलेगा 1.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारे पास जो पूरा जो टेबल दे रखा है उसमें से आप जो है हमारा जो टेबल दे रखा है, आगे आप पेज देख सकते हैं, उसमें हमारी टेक्स्ट बुक में 388 पेज है, उसमें देखिए जो सीजियम है उसका वर्क फंक्शन हमें दे रखा है दैट इज़ 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। फिर है पोटेशियम का 2.30, सोडियम का 2.75, कैल्शियम का 3.20। हमारा कोई भी आंसर जो है वो 3.20 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए बाकी का टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर मैंने जो है सीजियम को मैंने चूज़ किया एज अ फोटो सेंसिटिव सरफेस, तो उस पर आप जो है अगर आप वायोलेट लाइट इंसिडेंट करोगे तो कितनी एनर्जी दे रहे हो आप, 3.19, तो इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी, है ना, क्योंकि जो है इसका वर्क फंक्शन है उससे तो आप एनर्जी ज़्यादा ही इंसिडेंट कर रहे हो। और फिर येलो ग्रीन लाइट अगर इंसिडेंट करोगे तो आप कितनी एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हो, 2.26, तो इसका मतलब सीजियम में से ये दोनों के लिए वायलेट एंड येलो ग्रीन दोनों के लिए जो है आप बोल सकते हो कि उसमें से हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगी। अगर मैं रेड लाइट यूज़ कर रही हूँ तो सिर्फ 1.64 एनर्जी ही दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगी, है ना। तो ये किस पर काम करेगी, ये दोनों लाइट पर, मतलब वायलेट एंड येलो ग्रीन। अब अगर हम
पोटेशियम की बात करते हैं तो उसका वर्क फंक्शन 2.30 है, तो आप देख सकते हो कि इसका जो है ये एनर्जी, वायलेट जो एनर्जी दे रहा है वो है 3.19, बहुत ज़्यादा है। तो इसमें वायलेट की वजह से, वायलेट लाइट की वजह से हमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगी, लेकिन इस ये एनर्जी दे रहा है और ये दोनों की एनर्जी जो है वो कम है, इंसिडेंट एनर्जी कम है, तो इसीलिए हम पोटेशियम का यूज़ उसके लिए नहीं कर सकते। थर्ड है हमारे पास सोडियम, तो उसका वर्क फंक्शन 2.75 है ना, तो हम उससे ज़्यादा किससे एनर्जी दे सकते हैं, दैट विल बी गिवन फ्रॉम वायलेट। और फिर कैल्शियम का तो उससे भी सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वायलेट लाइट यूज़ करके ये तीनों को फोटो सेंसिटिव सरफेस की तरह यूज़ कर सकते हो, और येलो ग्रीन लाइट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ क्या यूज़ कर सकते हो, सीजियम। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो आंसर लिखा है वो भी मैं रीड कर लेती हूँ तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। फोटो फॉर अ फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस टू ऑपरेट वी रिक्वायर इंसिडेंट लाइट एनर्जी ई टू बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन 50 ऑफ द मटेरियल। मतलब कितनी इंसिडेंट एनर्जी चाहिए, ई कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, है ना, ज़्यादा हो तो भी चलेगी या वर्क फंक्शन जितनी हो तो भी चलेगी। अब देखिए द फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस विल ऑपरेट विथ वायोलेट लाइट, फोटो सेंसिटिव मटीरियल सोडियम, फिर पोटेशियम एंड सीजियम। मतलब ये देखिए वायलेट लाइट जो है वो तीनों के लिए वर्क कर सकती है, राइट। फिर इट विल ऑल्सो ऑपरेट विथ येलो ग्रीन फॉर सीजियम, देखिए सीजियम कौन काम कर सकता है, फॉर येलो ग्रीन एंड ओनली। हाउएवर इट विल नॉट ऑपरेट विथ रेड लाइट फॉर एनी ऑफ दिस फोटो सेंसिटिव मटीरियल। क्यों? क्योंकि वो जो हमें दे रहा है एनर्जी वो सबसे कम है, इतना वर्क फंक्शन किसी भी मटीरियल का नहीं है, इतना कम। इसीलिए आप जानते हो हमारे पूरे टेबल में सबसे कम किसका है, सीजियम का, वो 2.14 है। इससे भी हम एनर्जी अगर कम देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो आज यहीं तक बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।